नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर प्रयागराज घोरपुर से। अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध जहां निरंतर पुलिस व आबकारी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, वहीं इसी क्रम में घोरपुर थाने में तैनात आईपीएस चिराग जैन के द्वारा जहां मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र में ही अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मौके से 450 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। साथ ही शराब बनाने की चार भट्टियों को भी उनके द्वारा उपकरणों सहित नष्ट किया गया, जिसमें मौके पर शराब बनाने के लिए तैयार रखा गया 3 क्विंटल लहन भी नष्ट किया गया, जबकि शराब बनाने में लगे 2 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसमें वुदुल पुत्र कृष्णानंद निवासी बलापुर थाना घोरपुर व मुन्नीलाल पुत्र स्वर्गीय मुखिया ग्राम पतेवरा थाना औद्योगिक क्षेत्र को गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध घोरपुर पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर सुनिश्चित कार्रवाई की जा रही है। जबकि घोरपुर पुलिस के द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री करने वालों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। 4 अप्रैल से जब से मैंने जहाँ थाना घोरपुर पे ज्वाइन किया है, थाना प्रभारी, कई तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि अवैध शराब बनाई जा रही है, तो हम लोगों ने संयुक्त टीम बनाकर 3-4 गाँव में ये रेड डाली है। और 27 अप्रैल के दिन हमको कंजासा में और बीकर में 1.5 क्विंटल लहन नष्ट किया, और कल के दिनांक एक सूचना मिली थी कि बलापुर में पतरेवा मोड़ के पास में कोई अवैध शराब बनाई जा रही है, जिसपे टीम के द्वारा उमाशंकर एसआई प्रदीप और मैं हमरा के साथ में पहुंचा, जहां पे हम लोगों ने मौके पे बनते हुए लोगों को पकड़ा। 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए, जिनको मुचलके पे 62 की आबकारी अधिनियम की धारा में छोड़ा गया मुचलके पे। इसमें हमको 450 लीटर कच्ची शराब, 3 क्विंटल लहन और 4 उपकरण हमको बरामद हुए। प्रयागराज संवाददाता रोहित शर्मा की रिपोर्ट।